आगामी 8 सितंबर को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पलवल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तथा जींद में आयोजित होने वाले सम्मान दिवस कार्यक्रम के लिए लोगों को न्योता देंगे। पलवल में इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्विनी दत्ता ने कहा कि इनेलो छोड़कर जाने वाले बहुत सारे नेता इनेलो में वापसी की राह देख रहे हैं। पलवल में 8 सितंबर को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और लोगों से रूबरू होंगे। 25 सितंबर को जींद में स्वर्गीय पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के सम्मान में होने वाली जनसभा ऐतिहासिक होगी और हरियाणा में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। इनेलो का जो संगठन का जो काम है जोरों से चल रहा है, बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं। जोन प्रभारी और नीचे बूथ लेवल तक की नियुक्तियां हमारे यहाँ चल रही हैं। जो सारा संगठन का काम है 25 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। और जहाँ तक चौटाला साहब की जो विजिट का मामला है, वो जिले की कार्यकारिणी जिले के यहाँ वर्कर जो हैं वर्कर मीटिंग के लिए आ रहे हैं। बेसिकली वो पहली बार जैसे मैदान में आए हैं, अब सेकेंड पारी जो के लिए मैदान में आए हैं, तो अब अपने वर्कर से मिलने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल तो यही बात है। अच्छा, मैं ये जानना चाहेंगे कि जो पुराने जो लीडर थे आपकी पार्टी के, जो छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए, क्या उनसे किसी तरह का संपर्क हो रहा है कि उन पुराने लीडर्स को आप लोग वापस अपनी पार्टी में लेना चाह रहे हैं? देखो, जो योजना चल रही है कोई बात, हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल जनहित के मुद्दों को उठा रही है और जितने भी किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे महंगाई से, बेरोजगारी से, जिन मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको जो है जो हमारी पार्टी के पुराने थे या दूसरी पार्टियों से, बहुत सारे लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, वर्कर भी हैं, नेता गण भी हैं, एक्स एमएलएज भी हैं, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है। तो क्या ये सिलसिला जोरों पे चल, नेता क्या संपर्क में है पार्टी के में जो आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए और अब जो वापस आ? चौटाला साहब 8 सितंबर को जो जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस हर वर्ष हम मनाते हैं, इस बार 25 सितंबर को जींद में हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मना रही है और 8 सितंबर को जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पलवल आ रहे हैं, वो सभी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने के लिए आ रहे हैं। 25 सितंबर जो जींद में जन्मदिन मना रहे हैं उसके लिए। जिला कार्यकारिणी को लेकर क्या नए नामों की भी घोषणा हो सकती है? जिला कार्यकारिणी की जो हमारा संगठन है वो हमारा कम्प्लीट हो गया है और हमने आपके मार्फत वो डिक्लेयर भी करी है मीडिया में। उसके अलावा हमने हर विधानसभा के 5-5 जोन बनाए हैं, हम जोन अध्यक्ष बना चुके हैं और जोनों की कार्यकारिणी बन चुकी है। अब वो जोन कार्यकारिणी गांव वाइज वार्ड वाइज अपनी कार्यकारिणियाँ बना रही है। ये हमारा अब तक संगठन का रूप और जो हमारी सेल हैं, 16 सेल हैं हमारे संगठन के, जैसे कि किसान सेल है, युवा है, उप सैनिक सेल है और कर्मचारी सेल है, पीसी सेल है, इस तरीके से हमारे 16 सेलों के हमारे जिला संयोजक बना चुके हैं और वो भी अपनी कार्यकारिणी आगे बना रहे हैं। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए किस तरह से वर्क हो रहा है, किस तरह से पूरा जो लोग आपको छोड़ के चले गए थे, क्या उनकी वापसी के लिए क्या पहल?